राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें और आज की लीला का शीर्षक है राधे करुणामयी कहाती हैं। गिरिराज महाराज, तुम तो व्रज के जागृत देवता हो, श्याम सुंदर के अतिशय प्यारे हो। उस दिन इंद्र के कोप से तुमने ही तो व्रज की रक्षा की। कन्हाई के नख मणि पर विराजित तुम्हारी शोभा अवर्णनीय थी। अमरावती का अधिपति अपना समूह लेकर रह गया, तुम्हारे आगे एक ना चली उसकी। जिस दिन तुम्हारी पूजा हुई, श्याम सुंदर कह रहे थे, ये हमारा मनोरथ पूर्ण करने वाले साक्षात जागृत देवता हैं, इनसे जो भी मांगोगे मिलेगा। गिरि महाराज, तुमने डूबते व्रज की रक्षा की, गायों को चारा पानी और हमको निवास दिया। आज मैं तुम्हारी शरण आई हूँ, मेरे मन की अभिलाषा को पूरी करो प्रभु। घर बाहर सभी कहने लगे हैं, माधवी अब बड़ी हो गई, इसका विवाह आवश्यक है। सुन सुन कर कलेजे में शूल सी चुभ जाती है, अपना दुख किससे कहूँ। बाबा, जब आसपास के खेड़े और व्रज के छोरों की चर्चा मैया से करते हैं तो मेरी आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, हाथ का काम बिगड़ जाता है और मैया की डांट खानी पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आता। गिरिराज महाराज, तुम तो अंतर्यामी हो, सबके मन की जानते हो। वह व्रज युवराज हैं और मैं एक साधारण गोप कन्या। हमारे महाराज श्री वृषभानु राय की लली से सगाई हुई है उनकी, सो वे कहाँ और मैं कहाँ। किंतु क्या करूँ महाराज, मैंने तो ऐसी बात कभी स्वप्न में भी नहीं सोची। मैं अपना रूप स्वरूप भी जानती हूँ, किसी भी तरह उनकी चरण रज के योग्य भी अपने को नहीं पाती। पर ये मन हत्यारा मानता नहीं, अपनी ही बात तो नहीं, इस व्रज में न जाने कितने प्राणी तरस रहे हैं। कल इसी समय मन की विकलता से घबरा कर यहाँ चली आई तो देखा एक भील किशोरी। आहा, उसके प्रेम का क्या वर्णन करूँ महाराज, ध्रुवा पर हाथ फेर फेर कर हृदय से लगा रही थी। मेरी समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे चल कर उसके समीप पहुँची। पूछा, क्यों री सखी, क्या कर रही हो। वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसे भागने की तैयारी करते देख हाथ पकड़ कर पुनः पूछा तो उसके नेत्रों से दो धाराएं बहकर वक्ष स्थल भिगोने लगी। बहुत धीरज दिलाने पर अटक अटक कर बोली, आपके वाँ सांवरे कुंवर, माँ की चरण रज। हिलकियों के मध्य से टूटे शब्द उसकी सारी मनोव्यथा स्पष्ट कर गए। एक ही रोग के दो रोगी मिले तो जात पात और ऊंच नीच अपने प्राण लेकर भाग छूटे। तू धन्य है सखी, कहकर मैं उससे लिपट गई। दोनों खूब रो दो कर अपने अपने घर गईं। गिरिराज महाराज, ऐसी कृपा करो कि मैं छोरी ही बनी रहूं। मैया बाबा के मन में मेरे बड़े होने का ज्ञान कभी ना आए। श्याम सुंदर की बात तो बहुत दूर है, पर श्री किशोरी जू तो हमारी राजकुमारी हैं, उनकी चरण सेवा मुझे प्राप्त हो जाए। ब्याह मुझे नहीं करना, श्री किशोरी जू की सेवा में मिस मुझे श्याम सुंदर के भी दर्शन मिलेंगे, मेरा जीवन जन्म सफल हो जाएगा, अन्यथा सिसक सिसक कर मरना पड़ेगा। सखियों से सुना है वह केवल मन का उजलापन देखते हैं, तन का नहीं। किंतु मेरे तो विधाता ही दक्षिण हो गया है, तन तो काला दिया ही, मन पोतने को भी उसे तनिक सी खड़िया नहीं मिली। हृदय में यदि थोड़ा भी प्रेम होता तो मैं धन्य धन्य हो गई होती। क्या करूं महाराज, तुम ही दया कर थोड़ा सा प्रेम दान दे दो,
और इस समय तो जैसे भी हो इन तृप्त दृगों को तरसते तपते हृदय को उनके दर्शन करा दो। श्याम सुंदर कहाँ हैं, किस ओर गए हैं, बताओ गिरिराज महाराज कहाँ हैं कान्हाजू। हिया की पीर सही नहीं जाती हैं, कहाँ भजी ये बंसी, आ रे बागे मन दुड़ा मारा तूने मुझको, अब कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ कि श्याम सुंदर कहाँ हैं, अब चला नहीं जाता। हाय रे मन तुझे क्या करूँ, यदि मेरे हाथ में होता तो तुझे जला कर राख कर देती और उस राख को भी इतने गहरे गाड़ देती कि धरा पर आने में शताब्दियाँ लग जाती, तब तक मैं अपनी गैल लगती। जल तो ये अब भी रहा है, हाँ जल रहा है और मुझे भी जला रहा है। ये शीला सुचिकन है, बैठ लूँ थोड़ी देर, नहीं लेट ही जाऊँ। आहा तुम कितनी ठंडी हो शैल सुते, क्या श्याम सुंदर ने यहाँ बैठकर विश्राम किया था, उनके उत्ताप हर स्पर्श ने तुम्हारा दाह हर लिया। हे प्रभु इस विचार ने तो अग्नि में जैसे ईंधन डाल दिया, मैं क्या करूं, कहां से सुलभ हो मुझे श्याम, मैं क्या करूं। माधवी ए माधवी आंखें खोल, ये कौन पुकार रहा है मुझे, ये मीठा स्वर किसका है, होगा कोई मुझे क्या, नेत्र उगाड़ माधवी। ओह दो क्षण भी एकांत नहीं जुटता, यहाँ वन में व्याघात बनकर उपस्थित हो गया कोई, पर इतना सुहावना कंठ स्वर, क्या काम है मुझसे, थक गई हूँ पड़ी रहने दो, मेरा एक काम कर देगी, सबके कार्य करने को एक माधवी ही तो रह गई है। किंतु माधवी से कोई नहीं पूछता, क्या काम है तेरा, कह मैं कर दूंगा, अपना कार्य तो होता नहीं, सो यहाँ वन में माधवी को ढूंढने चले आए और मेरा काम कर दोगे, किंतु रहने दो, मेरा काम किसी से होने जैसा नहीं है, तुम अपनी कहो, मुझसे उठा नहीं जाता, तुम कार्य बताओ, ले मैं उठा देता हूँ। ये स्पर्श देह में सिहरन सी दौड़ गई, नेत्र अपने आप उगड़ गए, मैं लाज भूल गई, दोनों पदों में भुजाओं के वेष्ठन दे चरणों पर सिर रख दिया, अश्रु प्रवाह उनका प्रक्षालन करने लगे। माधवी स्नेह भरे स्वर में धीरे से पुकारा उन्होंने, मेरे बुलुंठित केश पाश बांध दिए अपने कर कमलों से और पुनः स्निग्ध स्वर कानों में पड़ा, क्या हुआ माधवी, मैं क्या कहूँ, वैसे ही पड़ी रोती रही, मेरा काम नहीं करेगी। उन्होंने मेरा मुख अंजलि में भर कर ऊपर उठाया, बड़ी आस लेकर आया था तेरे पास, मैं बैठ गई, प्रश्न युक्त दृष्टि उठाई, तू मोर डिग रहनो चाहे, मेरे नेत्र पुनः झरने लगे, सिर झुक गया, जो पिपासा दावानल का रूप ले बैठी है उसे नेत्र अभिव्यक्ति देने लगे। वह हंस पड़े, तू नंद भवन में रहना चाहेगी कि विश्वानुपुर के अंतःपुर में, श्यामजू मैंने कठिनाई से कहा, परीक्षा मत लो, मैं इस योग्य नहीं, निर्णय मुझ पर ही छोड़ा तो सुन, तू वहाँ किसी किशोरी जू की सेवा में मेरी संदेश वाहिका बनकर रह, कौन रहने देगा वहाँ मुझे, ये मुद्रिका ले। उन्होंने अपनी अनामिका की मुद्रिका मुझे पहनाते हुए कहा, संदेश लेती जा, इसे देखकर वह सब समझ जाएंगी, बाबा ब्याह की बात कर रहे हैं, मैं पुनः फूट पड़ी, उनके समीप जाकर सब संकट कट जाते हैं। श्याम सुंदर तेरा और मेरा दोनों का कार्य बन गया सखी, संदेश गिरिराज निकुंज में मोर नाचते हैं, मैं कृत कृत्य हुई मोहन, नहीं माधवी कृत कृत्य तो
तू वहाँ जाकर होगी, वहाँ जाकर मुझे भूल जाएगी और उनसे कहेगी, श्रीजू मुझे तो अपने ही चरणों की सेवा में नियुक्त कर लें। वे हंस कर उठ खड़े हुए। और इसी के साथ आज की लीला यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक और नई लीला के साथ। राधे राधे, श्री हरिवंश।